हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फिर आप लोगों को मैंने आई थिंक काफ़ी दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर टेक महिंद्रा जो है लोगों को यूडीमी कोर्सेज कंप्लीट नहीं करने की वजह से लोगों को रिजेक्शन आ रहे हैं। और मैं ऐसे भी लोगों से मैंने बात किया था जिन लोगों ने कहा था कि सर मैंने तो अपना यूडीमी कोर्स कंप्लीट भी करा था, मैंने पास भी करा था, उसके बावजूद भी मेरे पास जो है टेक महिंद्रा टीम की तरफ से रिजेक्शन मेल देखने को आया था। ठीक है, ये तो रहा टेक महिंद्रा का बात। और सेकेंड अपडेट्स आ रही है आपकी विप्रो आस्किंग, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे अभी डीएम करा है इंस्टाग्राम पर कि सर विप्रो जो है 1.35 रुपीज़ मांग रही है, क्या सर मुझे भी कंपनी निकाल दी है तो क्या सर मुझे पैसा पे करने पड़ेंगे, सर हम लोगों ने कंपनी को छोड़ दिया है तो क्या सर मुझे पैसा पे करने पड़ेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विप्रो आस्किंग मनी 1.35 लाख आफ्टर टर्मिनेटिंग और यू कैन से रिजाइनिंग फ्रेशर्स, इज दिस फॉर ऑल? बता दो फ्रेंड, ये सभी के लिए अप्लीकेबल नहीं होने वाला है। जिन लोगों ने भी जो है, देखो आप लोग जो कंपनी में जाते हो, अगर आप पे कुछ कंपनी जो है कुछ अमाउंट खर्चा करती है, लाइक आपके रहने के ऊपर में कुछ अमाउंट आपको देती है, हर महीने कुछ आपको देती है, तो यहाँ पर एज अ फ्रेशर्स आप लोग जा रहे हो कंपनी में, तो आपको ये मनी देने का जरूरत नहीं है। देखो यार बता दूं, विप्रो में बॉन्ड यह बात आप लोगों को पता होगा, आप लोग अगर सर्च भी करते हो ना विप्रो में बॉन्ड क्या है, तो अगर कंपनी आपको टर्मिनेट कर रही है लेकिन अगर इसका पीछे रीजन अगर आप हो, लाइक अब मान लो आपका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशूज है आपके क्राइटेरिया में, ठीक है, तो इन दैट केस आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। बट अगर आप लोग कंपनी छोड़ रहे हो विथ पेइंग योर बॉन्ड मनी यू कैन से, तो ये आपको नहीं आपको ये नहीं अलग से पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर विप्रो में बॉन्ड है आप लोगों को पता होगा, आई थिंक विप्रो में एक साल का बॉन्ड है आई थिंक सो, तो ये आपका बॉन्ड मनी है। ठीक है, आप बोलोगे सर कंपनी तो मुझे निकाल दी है तो क्या मुझे पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो कंपनी को नहीं निकाला है, मैंने तो कंपनी नहीं छोड़ा। देखो आप यहाँ पर कंपनी टर्मिनेट कर रही है, चाहे आप खुद से छोड़ दो रिजाइन कर दो, कंपनी आपको निकाल दे, अगर आपके ऊपर में बॉन्ड एप्लीकेबल होता है तो यू हैव टू पे द मनी वॉट एवर दे हैव मेंशन इन योर पे स्लिप वॉट एवर, आपको मेल भी करेगी कंपनी, तो ये आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने अपनी हाल में कंपनी छोड़ा होगा तो एक बार आप लोग अपने एचआर से अप्रोच जरूर कर लेना, अगर आप लोगों ने बॉन्ड मनी पे देके छोड़ा तो कोई डरने की बात नहीं है। आई थिंक विप्रो में बॉन्ड है, यस विप्रो में बॉन्ड है, तो आप लोगों को इस तरह का आप लोगों को देखने को आ जाएगा। ठीक है, फिर भी आप लोगों को डरने की बात यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ये भी बात सबसे प्लस पॉइंट है कि आपको जो है अगर अभी तक कुछ नहीं आया है, मान लो आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, एक से दो वीक हो चुका है तो अभी आपको नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले आपको टर्मिनेट किया गया है या फिर आपने कंपनी को छोड़ा है विदाउट पेइंग अ बॉन्ड, तो आपको ये मेल आएगा, ये आपको आया कि आपको पे करने पड़ेंगे पैसे। ठीक है, अब सेकेंड बात कहते हैं टेक महिंद्रा को लेकर। ठीक है, तो फिर यहाँ आप देख सकते हो आयान बनर्जी, फिर बता दूँ फिर मैं भी आपका जो है दुर्गापुर से बिलोंग करता हूँ, आप लोग में से काफ़ी लोगों को पता होगा, फिर नहीं तो यहाँ पर DITM कॉलेज है, मतलब कि दुर्गापुर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये आपका दुर्गापुर में पढ़ता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो दुर्गापुर में मेंशन किया गया। ठीक है, तो फिर देखें तो इन्होंने अपना आर्टिकल पार्टिकल पब्लिक किया है, ये लिंक जो है मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे शेयर करा है इंस्टाग्राम पर। ठीक है, फिर देखोगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर पूरा उन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, यस दिस इज सो कॉल्ड पॉपुलर MNC टेक महिंद्रा हैज डन ऑल द ट्रिक टू किल आवर फ्यूचर एंड होप एंड दे हैव ऑलरेडी डन इट। टेक महिंद्रा हैव रिजेक्टेड ऑलमोस्ट 80% ऑफ कैंडिडेट हु गॉट सिलेक्शन एज अ फ्रेशर्स इन 22 बैच फॉर AC रोल। आई एम फ्रॉम 22 बैच एंड आई वाज सिलेक्टेड इन टेक महिंद्रा। फिर आपको मैं दिखा दूँ, फिर मैं खुद टेक महिंद्रा में सिलेक्टेड था, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, मेरे पास भी टेक महिंद्रा सबसे ऑनबोर्डिंग का आया था, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने भी टेक महिंद्रा को ज्वाइन नहीं किया था, द सेम थिंग मुझे पहले ही पता था। फ्रेंड बता दो फ्रेंड, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं अगर अभी किसी भी कंपनी में काम कर रहा हूँ या फिर मैंने बहुत सारी कंपनियों को छोड़ा है, रीज़न बिंग सिंपल है कि मुझे उसके बारे में पहले मैं रिसर्च कर लेता हूँ। देखो टेक महिंद्रा के पास खुद का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, उसके पास प्रोजेक्ट नहीं है, लोगों को रिजेक्ट कर रही है कि आप यूडीमी कोर्स कंप्लीट नहीं कर रहे हो। जब मेरा ऑनबोर्डिंग का टाइम आया था फ्रेंड, मैंने फिर वीडियो बनाया था कि व्हाई आई डिडंट जॉइन टेक महिंद्रा, मैंने टेक महिंद्रा को छोड़ा है, कैपजेमिनी को छोड़ा है, कॉग्निजेंट को मैंने छोड़ा, बस रीज़न बिंग सिंपल था क्योंकि मैं किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले तो मैं पूरी तरह से रिसर्च करता हूँ, क्योंकि टेक महिंद्रा आप लोग सोचते हो टेक महिंद्रा काफ़ी अच्छी कंपनी है। देखो यार 3.25 का पैकेज आपको दे रही है, पहली कंडीशन। दूसरा 6-7 राउंड्स होते हैं उसमें फ्रेंड, सारे के सारे टफेस्ट राउंड होते हैं। ठीक है, तो ये इतना करने के बावजूद अगर आपको 3.25 का पैकेज मिलता है, उसके बाद भी आपको निकाल दिया जाए ऑफर के लेटर के बाद, मुझे कंपनी निकाली नहीं थी टेक महिंद्रा, मैंने टेक महिंद्रा खुद छोड़ा था और मैंने ये चीज़ बताया भी था कंपनी को। देखो यार मैं हर एक कंपनी पे काफ़ी रिसर्च करता हूँ, चाहे वो प्रोजेक्ट को लेकर हो, चाहे उसका क्या आने वाले दिनों में उस पर क्या इंपैक्ट हो सकता है, उसका क्या क्या मतलब अलग तरीके से मैं रिसर्च करता हूँ, मैं हर एक कंपनी में रिसर्च करता हूँ, इसे मैं टेक महिंद्रा ज्वाइन नहीं करा था। फिर यहाँ पर जो है आयन बनर्जी ने अपना सेंड किया अपना अपना एक्सपीरियंस कि उनका उन्होंने कब सिलेक्शन हुआ था, और देखिए फिर यहाँ का असाइन सम यूडीमी कोर्सेज टू लर्न बिफोर आवर ऑनबोर्डिंग एंड द क्लियर द थिंग्स दैट आवर लीडरशिप कनेक्ट मीटिंग दैट दिस
courses are just learning and there will be a integrated assessment based on this course which is just to know our level of knowledge and put on our this test will not for your rejection purpose. लेकिन बाद में इसको rejection कर दिया गया था. लेकिन they conducted the test on 12 September 22 but do not know how they can reject us just saying that we have not cleared the test. है ना. तो मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था कि लोगों को रिएक्शन मेल यहाँ पर आ रहे हैं. आप देखें तो यहाँ पर आपको वीडियो क्लिप भी आप लोग चाहो तो फिर मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा. आप लोग इस लिंक को जरूर चेकआउट कर लेना. मैं प्रोवाइड आप लोगों को करा दूंगा और यहाँ पर आप लोग वीडियो क्लिप को सुन लेना. उसके बाद आप लोग बता दो फिर यहाँ पर आप देखोगे तो काफी लोग यहाँ बोल रहे हैं कि आई मेंटली डिस्टर्ब नाउ कम अक्रॉस कम थॉट अबाउट सुसाइड. काफी लोग के मेंटलिटी मतलब समझ रहे फ्रेंड ज्वाइनिंग से पहले ज्वाइनिंग से निकाल दिए जाना कंपनी आपको निकाल देगी तो कैसा आपको फील होगा फ्रेंड बता दो. इस तरह करके देखने को आ रहे हैं काफी लोगों ने इसे मतलब ये करा है. तो मैं आपको बता दो फ्रेंड ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ. आने वाले समय में ऐसा ना हो आप लोग जो है इनके जो भी इन्होंने पोस्ट किया है इसको आप लोग लाइक करना इसे आप लोग शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. ठीक है मैं आप लोग को दिखा दूँ. मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ फ्रेंड. ठीक है यहाँ पर आपको रिपोस्ट करना है. मैं इसे रिपोस्ट कर देते देखिए रिपोस्ट मेरा हो गया है ना. तो आप लोग अपना सपोर्ट जरूर दिखाना क्योंकि ये आप लोग के साथ भी कल हो सकता है इफ़ यू नॉट लाइक अगर अपना वॉइस को आप नहीं उठा रहे हो तो है ना. क्योंकि इसके साथ में आज ऐसा हुआ है आप कल आपके साथ में भी हो सकता है ना. तो हमेशा एक दूसरे का हमेशा साथ देकर चलना फ्रेंड. अगर किसी से कुछ प्रॉब्लम हो रही है अगर आप भी एमएनसी कंपनी में जा रहे हो फिर जा चुके हैं फिर जाने वाले हो तो आपके साथ भी ऐसा ना हो आपको हमेशा अवेयर होना पड़ेगा. मैं इनका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आप लोग जगह चेकआउट कर लेना. कुछ और भी जानना होगा तो आप लोग इनसे भी पूछ सकते हो कमेंट करके आपको रिप्लाई कर देंगे. ठीक है तो ये रहा प्रॉपर अपडेट दोनों में. ठीक है तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो. आपका क्या करना है आप लोग कमेंट जरूर बताना. वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करना. जय हिंद जय भारत.